उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर होने का दावा करे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। ऐसा ही ताजा मामला संभल जिले से सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी 108 पर दी लेकिन कोई भी एम्बुलेंस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। आने वालों ने शख्स को निजी वाहन से अस्पताल लाया गया जहां उसे स्ट्रेचर तक नहीं मिला। वही आपको बता दें कि पीड़ित और घायल पिता को कंधे पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही जब बेटे से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि एम्बुलेंस को कई बार फोन किया गया उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई। बाद में जब किसी निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया तो वहाँ स्ट्रेचर भी नहीं मिला। आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया कि जिला अस्पताल से भी पिता को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तब नहीं मिली। अब बड़ा सवाल होता है कि जब सरकार एम्बुलेंस इलाज की सुविधा दे रही उसके बावजूद भी ये कौन लोग हैं जो सरकार की मंशा पर पानी फेरने में लगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।